नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर्स। दोस्तों, एक साल पहले एक मार्जिन रूल आया था जो सेबी ने एग्जीक्यूट किया था, जिसमें कि फेस वाइसेस मार्जिन कम होते जा रहे थे। तो अभी सितंबर 1, 2021 को जीरो मार्जिन होने वाला, यानी कि एक भी मार्जिन आपको इक्विटीज़ में नहीं मिलेगा जो पहले आपको दिया जाता था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे रिटेल ट्रेडर्स को इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रोकर्स को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारे वीडियो में देखेंगे इन डिटेल। तो चलिए दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज़ का ट्रेड किया और उसके ऊपर आपने 500 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, तो आपका जो इनिशियल अमाउंट वैल्यू था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो 1,000 रुपीज़ था। उसके ऊपर आपको 500 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 50% का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट मार्जिन मिलती नहीं और सिर्फ आप 1,000 का ही करते, तो आपको प्रॉफिट कितना होता? 50 रुपीज़ होता, जो कि ना के बराबर होता ब्रोकरेज चार्जेस सब निकाल के। तो ये होता है मार्जिन। मार्जिन यानी कि आपकी जो अमाउंट है उसके ऊपर लिमिट मिलती है, ब्रोकर देता है एज अ लोन कि आप ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट होगा तो पूरा आपका, लॉस भी होगा तो पूरा आपका, पर आपको लोन देता है क्योंकि आप लिमिट में करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी है, उसी प्रकार लॉस के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये होता है एग्जैक्टली मार्जिन। तो सेबी ने 2019 में एक केस आया था कार्वी ब्रोकिंग का, इसको एक फंडामेंटल नींव बनाया था। ये मार्जिन के रिलेटेड कुछ इसका इशू नहीं था, मेन कार्वी ब्रोकिंग का ये इशू था कि वो जो भी क्लाइंट के पैसे आइडल पड़े रहते थे उनके ब्रोकिंग अकाउंट में, वो उसको गलत इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते थे और प्रॉफिट्स कमाते थे, तो एक रॉन्ग प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए कार्वी ब्रोकिंग को सेबी ने बैन कर दिया था। तो एक फंडामेंटल ये रीज़न बना के मार्जिन रूल से कोई रिलेशन नहीं है ये केस का, पर उसके बाद ही मार्जिन रूल का एग्जीक्यूशन सेबी ने किया, वो भी फेस वाइसेस। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे फेस वाइसेस कम करते गए और अभी कितना होने वाला है। दोस्तों, सेबी ने फर्स्ट एग्जीक्यूशन 1 दिसंबर 2020 को किया था 25% लेस मार्जिन, यानी कि अगर आपको ब्रोकर 10 टाइम्स की लिमिट दे रहा है तो उसका 25% कम करके यानी 7.5% देगा। फिर 1 मार्च 2021 को सेबी ने 50% लेस किया, यानी जो 10 टाइम्स दे रहा था आपका ब्रोकर वो सिर्फ अभी 5 टाइम्स ही देगा, 50% कम। फिर 1 जून 2021 को 75% कम, यानी जो पहले 5 टाइम्स दे रहा था अभी वो सिर्फ 2.5 टाइम्स ही दे सकता है ब्रोकर आपको। एंड देन अभी 4 दिन बाद 1 सितंबर 2021 से नो मार्जिन, यानी कि आपको 1 टाइम का भी मार्जिन नहीं मिलेगा, यानी जितना पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है उसका ही आप बाय कर सकते हो। मान लीजिए अभी तक आपके पास 50,000 रुपीज़ अकाउंट में होते थे तो आप 10 टाइम्स तक 5 लाख तक आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे, ठीक है। पर अभी 50,000 आपके पास अकाउंट में है तो आपको 50,000 के शेयर्स आपको मिलेंगे, उसके 1 रुपये ज़्यादा भी आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। तो ये 1 सितंबर 2021 से एग्जीक्यूट होने वाला है 4 दिन बाद से। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को, मार्केट को, सेबी को, सारे को इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरे इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। दोस्तों, पहले इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो है रिटेल ट्रेडर्स को, जो पहले जो लिमिट में काम करके जिनको अच्छी नॉलेज होती थी इक्विटीज़ में, उनको पता था कि शेयर से ऐसे ऊपर जाएंगे और उनके पास पैसे कम होते थे, वो लिमिट लेकर ट्रेड करते थे जिससे उनको प्रॉफिट्स होता था। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल उनके प्रॉफिट सारे डाउन हो जाएंगे, और सेकेंड जो NSE का टर्नओवर होता है वो डे बाई डे गिरते जा रहा है, क्योंकि मार्जिन अगर नहीं होगा तो कोई भी ट्रेड्स इंट्राडे करेंगे नहीं और सारे ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे, फ्यूचर्स के भी टर्नओवर कम होते जा रहे क्योंकि फ्यूचर्स के भी जो पहले लिमिट मिलती थी उतना नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए फ्यूचर्स और इक्विटीज़ के जो है वो टर्नओवर कम होते जा रही है। इससे NSE को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर टर्नओवर नहीं रहेगी तो STT भी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, टैक्सेस नहीं मिलेंगे जो चार्जेस लगते हैं, और ब्रोकर्स को बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके क्लाइंट बेस कम हो रहे हैं, क्लाइंट बेस कम हो रहे हैं, और दूसरा उनको ब्रोकिंग जो चार्ज मिलता है ब्रोकर को, ब्रोकरेज जो मिलता है वो नहीं मिल रहा, तो डायरेक्टली रिटेल ट्रेडर्स को इम्पैक्ट पड़ गया, उनके प्रॉफिट्स कम हो गए, वो अभी ट्रेड नहीं कर रहे, वो ट्रेड नहीं कर रहे करके NSE के टर्नओवर्स कम हो गए, देन ब्रोकर्स को ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है, तो ये सारे इम्पैक्ट मार्केट में आया, और डायरेक्टली सेबी को भी ये एक ड्रॉबैक ही है, क्योंकि उनको जो सेबी ट्रांजैक्शन चार्ज जो लगता था इंट्राडे जो करते थे वो भी चार्ज नहीं लगेगा अभी, और इसीलिए टर्नओवर बहुत ही गिर गया है, जो पहले टर्नओवर हुआ करता था अभी बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हो गया है NSE में टर्नओवर्स। दोस्तों, सारे रिटेल ट्रेडर्स जो भी नए ट्रेडिंग के लिए आ रहे वो डायरेक्टली भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आ रहे,
क्योंकि ऑप्शंस में कम प्रीमियम में आप ट्रेड कर सकते हो, पर इसमें रिस्क भी बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। इक्विटीज़ में क्या, अगर आपने लिमिट लेके भी अगर किसी शेयर के 50 शेयर्स लिए, अगर वो पूरे इंट्राडे में 3 पॉइंट ही अगर डाउन होकर क्लोज भी होता है, तो आपको 150 रुपीज़ तक आपको लॉस होता है। पर वही अगर ऑप्शंस करेंगे तो 1 पॉइंट भी 2500-3000 के लॉट होते, अगर 1 पॉइंट भी नीचे जाके डाउन हो जाता तो 3000 का इंट्राडे लॉस हो जाता है। इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और डायरेक्टली कोई भी बिगनर भी अगर आता है तो वो भी अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहा है, जिससे कि बहुत ही लॉस होने के चांसेस है, और बाद में वो मार्केट को दोष करते हैं कि बहुत रिस्की है एंड ऑल। ठीक है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क बढ़ जाएगा। न्यू बिगनर्स जो आ रहे हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं, क्योंकि इक्विटीज़ में उनके पास 5000 रुपीज़ होंगे, तो 5000 के अगर शेयर्स भी लेंगे, कोई रिलायंस के भी शेयर्स लेंगे, तो 2-3 आएंगे, तो इंट्राडे में 2-3 शेयर्स में क्या प्रॉफिट होगा, इस 50 रुपीज़ में ब्रोकरेज चला जाएगा या कि ना के बराबर होगा। तो इसीलिए वो 5000 से वो इंट्राडे में ऑप्शंस कर सकते हैं, पर उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, वो 5000 रुपीज़ ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट भी हो सकता है बहुत, पर रिस्क बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। इसीलिए इक्विटीज़ का जो है मार्जिन कम हो, टर्नओवर कम हो रहा है, ट्रेड्स ही नहीं हो रही है डेली बेसिस पे देखा जाए तो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी नहीं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी को बेचना होगा तो बेच भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई इंट्राडे में ट्रेड भी नहीं कर रहा है, कोई शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जो पहले बहुत टर्नओवर होते थे, बाय सेलिंग बहुत ईजी था, अगर आपको कोई सेल करना है तो आप एक बार ऑर्डर लगाए तो डायरेक्टली ट्रिगर हो जाता था, बाय भी बहुत ईजी था, पर अभी जो सेल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिक्विडिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आ जाएंगे लिक्विडिटी इश्यूज़, पर लिक्विडिटी इश्यूज़ पहले से थोड़ा ज़्यादा होंगे अभी, क्योंकि अब स्मूथली जो पहले ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे अभी स्मूथली नहीं होगा, तो ये सारे इश्यूज़ होंगे। ब्रोकर्स भी, कुछ ब्रोकर्स ने ट्राई भी किया है बोलने की कि इससे ये रूल हटाइए करके, पर देखते हैं अभी क्या होता है, सेबी क्या डिसीजन लेती है। 1 सितंबर को एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, उसके बाद सेबी कोई डिसीजन लेगी कि नहीं, जो भी डिसीजन लेगी आपको मैं एक और वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या अभी आगे होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्जिन क्या होता है और मार्जिन रूल कौन से फेसेस में कैसे स्टार्ट हुआ है, अभी आने वाले दिन में कैसे मार्जिन हो सकता है और कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट को, ये सारे क्लियरली डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपको डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।